भाई ने बताया, वो सब आपने बहुत ध्यान से सुना और अभी हम बताते हैं आप कौन है। कहते हैं अजीब इत्तेफाक है कि उम्र भर साथ रहे और कभी परिचय ही ना हो सका। साथ रहे पूरा जीवन और परिचय हुआ नहीं। तो ये किसके विषय में है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे विषय में है कि हम कौन हैं, पता ही नहीं। खुद का खुद से पता नहीं, खुद का परिचय नहीं हुआ खुद से। तो हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे आज कि हम कौन हैं। ये आपको एक कंकाल दिखाई दे रहा है, कटी मांस का पुतला दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज होती है, जब तक ये पुतला देखता है, सुनता है, कार्य करता है, कर्म करता है, तो कहते हैं जीवित है। और जब ये काम कर नहीं देता, ना सुने ना बोले ना देखे, तो क्या कहते हैं? मर गया। तो एनर्जी होती है इसमें, इसमें वह एनर्जी होती है आत्मा। वो शक्ति क्या है? आत्मा। रूह कहो, पॉइंट ऑफ लाइट कहो, सोल कहो, एक बात है वो आत्मा। रहती कहाँ है? यहां जहां पर आप तिलक लगाते हो। कुछ होता है तो क्या कहते हैं? मेरी किस्मत, या कहते हैं मेरा भाग्य। तो इसका मतलब हम ये हैं। कोई गलत काम हो जाता है तो क्या करते हैं? मेरे भाग्य यहां पर, यानी मैं यहां हूं। तो आत्मा की तीन शक्ति, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा होती है जब तक कोई मनुष्य जीवित है, तो उसके बुद्धि काम करती है, मन भी होता है और उसकी आदतें भी होती है। आदतें मन संस्कार, ये तीनों चीज है तो जीवित है। तो फिर मरने के बाद कोई भी ना बुद्धि काम करती, मन और ना कोई उसकी आदत होती है, यानी ये तीनों चीजें आत्मा के अंदर ही होती हैं। आत्मा के गुण हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये सारे आत्मा के गुण हैं। और जब इन गुणों की कमी हो जाती है तो दुखी हो जाता है मनुष्य। अब ये गुण आएंगे कहां से? पहले तो अपने आप में टिकना पड़ेगा कि हम कौन है। आत्मा ऐसा समझने से क्या होगा, जैसे कोई रोल करता है एक्टर, तो उसे ये रहता है कि मैं तो एक्टर हूं, मुझे तो घर जाना है, ये मेरा घर नहीं, मुझे घर जाना है, तो अच्छे से अच्छा रोल कर पाता है। इसी प्रकार से हम आत्मा समझेंगे वो अच्छे से अच्छा रोल कर सकेंगे और स्वयं में टिकेंगे। तो स्वयं में टिकने से क्या होगा, जो आत्मा के गुण हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, ये हमें आने लगेंगे। और शरीर समझते कई बार क्या होता है, शरीर देहबान में आने से, शरीर के भाग में आने से जो हमारे गुण है वो तो चले जाते हैं और दूसरों के व्यवहार पर हमारी खुशी, हमारा जीवन निर्भर हो जाता है। दूसरा हमारे अच्छा करता है तो अच्छा मुस्कुरा देते हैं, कोई कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला गया, हमारा स्वयं पर शासन नहीं है, क्योंकि स्वयं को जानते ही नहीं। तो पहले हम स्वयं को जाने उसमें के, अब हम जानेंगे जैसे हम क्या हैं। पहले शरीर में जो शरीर के पिता सबके अपने अलग अलग हैं। और हम कहते हैं जब भी हवन कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो परमपिता भी कहते, अर्थात परमपिता का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर के पिता हैं,
उनका भी वो पिता है, पिताजी का भी पिता है, वो सब धर्मात्माओं के पिता हैं, जैसे गुरु नानक हैं, क्राइस्ट हैं, बुद्ध जी हैं, महावीर जी हैं, इन सब भी वो पिता है। तो वो है कौन, भगवान कौन है जिसको सब धर्म वाले मानते हैं। तो सब ने किसकी तरफ इशारा किया, गुरु नानक ने कहा एक ओंकार, एक ओंकारी सत्य है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, भगवान एक रोशनी है। बुद्ध ने कहा प्रकाश है। महावीर ने कहा लौ है। और मुसलमान क्या कहते हैं, नूर, नूर माना प्रकाश, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और जिसका यादगार हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में बना करके पूजा करते हैं, शिव ज्योतिर्लिंगम, एक बिंदी होती है, उस बिंदी प्रतीक है प्रकाश का, उस परमात्मा का। उसका कोई आकार नहीं, कोई आकार नहीं है, वो तो बस एक बिंदी है प्रकाश स्वरूप। तो वही सबके पिता है जिसको सब धर्म वाले मानते हो, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सृष्टि के आत्मत्व अंत का उसे ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान है, सर्वोच्च है, जो सब प्रभाव से परे है, जो सतोरज तुम्हें भी नहीं आता, इसलिए उसे निर्गुण भी कहा गया। इन तीन गुणों के प्रभाव से जो परे है उसे हम भगवान कहेंगे। भगवान कितने हैं, सबके मालिक एक। तो वो कौन है जिसकी हम जयंती मनाते हैं, वर्ष वर्ष जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि हम मनाते हैं, शिव जयंती, ये भगवान का इस धरा पर अवतरित होने का यादगार है, जो भारत पर ही मनाते हैं, अर्थात भगवान इस भारत भूमि पर ही अवतरित होते हैं। तो उन्हीं का यादगार हम मना रहे हैं। तो वो आत्मा के सच्चे सच्चे पिता हैं, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार हैं। जो कुछ चीज चाहिए वो उनसे मिलेगी, वो सागर है, सब में फूल है, लेकिन नाता तोड़ना पड़ेगा। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए जो कर देते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवान से अगर हम नाता जोड़े, पिता के रूप में याद करो, भाई के रूप में याद करो, किसी भी रूप में आप याद करो, नाता जोड़ेंगे तो उससे वो सब कुछ मिलेगा जो दुनिया से हमें नहीं मिल सकता, जो दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं वो उससे मिलेगा।